Hi guys, welcome back to my channel. I'm pregnant. Hope आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे. तो आज हम जा रहे हैं बाहर लंच के लिए. बहुत दिन के बाद हम लोग बाहर निकलने वाले हैं. रवि ने कहा लेट्स गो फॉर लंच टुडे. आई थिंक आफ्टर कोविड हम लोग बहुत दिन कहीं बाहर नहीं गए, बस एक्सेप्ट ग्रोसरी शॉपिंग्स एंड ऑल. सो आज हम बाहर जाएंगे लंच के लिए एंड इट इज़ वन ऑफ द लाइक ओल्ड रेस्टोरेंट. यहाँ का लोकल फूड अच्छा मिलता है, तो हम पहली बार ही जा रहे हैं वहाँ पे. तो आई विल डेफिनेटली शो यू द प्लेस एंड गिव अ नाइस कैसा फूड है एंड ऑल. आई विल गिव एवरीथिंग, आई विल गिव द रिव्यू ऑफ द प्लेसेस. सो मिलते हैं आपको, लेट्स कैच अप. सो हाय, सो वी आर गोइंग फॉर लंच आउटसाइड. सो आई एम रेडी एंड वी आर गोइंग फॉर लंच टुडे. हाय गाइस, तो हम सब पहुंच गए रेस्टोरेंट. ये बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है, एकदम बीच के पास में है. मतलब आप एकदम ओपन एयर का मज़ा लेते हुए रेस्टोरेंट के पास में आप बैठ के बीच के पास. देखिए कितना सुंदर नज़ारा है. देखिए मैं रवि वहाँ पे खड़े होके देख रहे थे. द व्यू इज़ रियली अमेजिंग. और ये यहाँ पे ये रेस्टोरेंट वन ऑफ द लाइक बहुत ही ओल्ड है और यहाँ पे आपका ट्रेडिशनल फूड मिलता है, ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न. तो ये है एंट्री. तो हम अंदर चले गए हैं और जिस टाइम हम आए हुए थे काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं था. अभी आपका सीज़न स्टार्ट हो गया है तो अब काफ़ी भीड़ होने लगा है, थैंक गॉड. तो इन्होंने काफ़ी ध्यान रखा गया है कोविड की वजह से. टेम्परेचर चेक करते हैं, सैनिटाइज़र लगाते हैं, स्टाफ प्लस गेस्ट सबके लिए रहता है. और इवन सीट भी सबका डिस्टेंस में ही लगाते हैं. मतलब हम लोग उस तरफ बैठना चाह रहे थे लेकिन बोले नहीं, ऑलरेडी वहाँ पे फुल है. मतलब फुल तो ज़्यादा नहीं था लेकिन फिर भी एक साथ नहीं बैठा रहे थे, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके एक एक सीट छोड़ के ही बैठा रहे थे. तो इट वाज लाइक ठीक है, बहुत अच्छा था. और ये रेस्टोरेंट कम बार है. और तो जैसा कि मैं कह रही थी, यहाँ पे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आइलैंड फूड सर्व किया जाता है बीच साइड में. इवन फ्रेश सी फूड दिया जाता है. और यहाँ पे कॉन्ग तो आपका हार्वेस्ट किया जाता है आपके सामने, आप आराम से देख के आप अपना चॉइस का फूड आप बोल सकते हैं कि आपको कौन सा कॉन्ग चाहिए. और दे सर्व्ड कॉन्ग एज अ सलाद, चाउडर्स, फ्रीटर्स, स्टीर फ्राइड. तो बहुत ही इमेजिनेबल फूड्स आपको सर्व किया जाता है यहाँ पे. तो सी फूड के साथ साथ आपका चिकन एंड स्ट्रिक्स सब कुछ मिलता है यहाँ पे आइलैंड के हिसाब से. और वेजिटेरियन, इवन वेजिटेरियन फूड भी मिलता है आपको. तो अकॉर्डिंग टू बीसीसी वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट बीच रेस्टोरेंट है ये. और अकॉर्डिंग टू CNN चैनल वन ऑफ द टॉप 50 बीच बार्स है. तो आप समझ ही सकते हैं. और न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से तो ये आइडल स्पॉट है. बहुत ही अच्छा है। मैं ज़रूर, यहाँ का खाना भी बहुत ही अच्छा था। और पूरब तो काफ़ी मस्ती कर रहा था, उसे फ़िश काफ़ी पसंद है तो वो सबको बोल रहा था जो वहाँ पे गेस्ट भी आए हुए थे उन लोग को बोल रहा है आई वांट फिश करके। तो अभी वो तो फ्रेंच फ्राइज़ खा रहा था, उसके साथ साथ कॉन्क भी, कॉन्क फ्राइज़ फ्रिटर्स भी दिया गया था तो वो हम लोग खा रहे थे तो काफ़ी अच्छा था। उसके साथ हमने कोल्ड ड्रिंक्स लिए थे। Better fish. So we have order. We have order one. Tell me. Crack conch and conch fritters. Conch fritters with French fries. तो जो यहाँ का मेन फेमस है हमने वही खाया, फिश एंड कॉन्क, जिसके लिए हम आए थे टेस्ट करने के लिए। यहाँ का लोकल फूड सबने बताया था ये बहुत ही फेमस है तो इसीलिए हम सब, ये देखिए ये फिश लिया था हमने बाद में, और ये प्रॉन का कुछ आइटम्स था, और फिर प्लांटेन भी दिया हुआ था प्रॉन के डिश के साथ। तो फूड हमने काफ़ी एंजॉय किया, बट पूरब एज़ यू ऑल नो, मेरा पूरब काफ़ी पिकी ईटर है तो उससे फूड के साथ एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन एक बार अगर वो खा लेता है और उसे अगर पसंद आता है तो ही वो खाता है, लेकिन वो जल्दी मुंह पे देता नहीं है। सोचता है पता नहीं मम्मा क्या खिला रही है मुझे, उसको स्पाइसी वो खाता नहीं है तो इसीलिए वो थोड़ा अवॉइड करता है, वो जल्दी खा नहीं पाता है। लेकिन एक बार अगर वो मुँह में डाला, अगर उसे पसंद आया चीज़ें तो वो ज़रूर खाता है। तो इन दैट वे लाइक वी हैव एंजॉयड अ लॉट। और उस दिन मौसम भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर अचानक से बारिश शुरू हो गए, बट थैंक गॉड खाना ख़त्म करने के बाद ही बारिश हुआ। तो हमने फूड काफ़ी एंजॉय किया, बहुत ही अमेजिंग था। तो ये आपके लिए वेरी टेस्टी वेरी यम्मी। तो हमारा खाना ख़त्म करने के तुरंत बाद ही, मौसम एकदम से अलर्ट नहीं था कि बारिश होगा करके, हमें तो अच्छा ही मौसम लगा, लेकिन यहाँ पे वेदर ऐसे ही रहता है, कब अचानक से धूप हो जाए कब बारिश हो जाए समझ में नहीं आता है। तो बाहर काफ़ी तेज़ से बारिश हो रही थी तो यहाँ पे पूरा और एक बच्चा मिल गया तो उसके साथ वो खेल रहा था, क्योंकि काफ़ी तेज़ से बारिश हो रही थी तो हम वेट कर रहे थे। तो इसीलिए देखिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं, देखिए कितना बारिश हो रहा है, तो काफ़ी बारिश हो रहा था। और ये रवि मुँह बनाते हुए, तो हम लोग यहाँ पे ही वेट कर रहे थे और पूरब अपना खेल रहा था। सो हमारा लंच हो गया। बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी इसीलिए अब हम घर को जा रहे हैं। इट्स रेनिंग आउटसाइड। तो अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है आज का तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye bye.